लगातार तस्वीरां असीं तुहानूं रेस्क्यू ऑपरेशन दीआं दिखा रहे हां जिथे सुरेश नूं कढ़न दे लई ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हुण सुरेश दे परिवारिक मैंबर भी हरियाणा जिंद तों पंजाब पहुंच चुके ने, करतारपुर पहुंच चुके ने। गलबात करदे हां सर, सुरेश तुहाडे की लगदे सी, की नाम है तुहाडा? हमारे मौसा लगदा, हमारी भैन भी आयुष के लड़के गए गांव निनाणा से। हाँ, ये यहाँ पर मतलब काम कर रहा था, वर्कर के तौर पर। कंपनी ने इसको कोई सुविधा नहीं दे रखी थी, ऐसे ऐसे 80 फुट बता हुआ बोरवेल में नीचे गया है, कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, कोई तार तुर खींचने की सुविधा नहीं थी। ये मतलब ये रेतली जमीन के अंदर मिलने के लिए छोड़ दिया, हाँ अंदर ये मरने के लिए छोड़ दिया कंपनी ने कुछ ना। कंपनी का अब तक कोई अधिकारी आया, ये शायद 20-22 घंटे बाद, कल की बात है, कल दिन में हुआ ये हादसा, तो ये तब की बात है, तब का ऑपरेशन चले यहाँ पर। ये दो तीन मशीन है, शायद प्रशासन भी इतना दबाव नहीं डाल रहा। सर तुहाडे कोल जानकारी कदों मिली कि सुरेश दे नाल हादसा वापरिया? ए आज सुबह मिली है, ऐसा करीब 6:30 बजे यहाँ फोन आया था करसोले से, ऐसे ऐसे हो गया, तो हम गड्डी लेके यहाँ अभी पहुंचे हैं करीब घंटे पहले। कोई प्रशासन ने तुहाडे नाल मिले की गलबात हुई है तुहाडे नाल? किसी प्रशासन से बात नहीं, ना को प्रशासन मिल रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ यहाँ पर दखल दे रहे, चलो 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 यहाँ को देखने देते ना और कुछ करने देते। हाँ, किन्ने समय तो इस कंपनी नाल जुड़े हुए सी, कदे अगे भी इस कंपनी नाल आलो, कदे दा बोर वगैरह दे विच उतरदे रहंदे ने मशीन ठीक करन दे लई? नहीं, पहले बोर वेल में नहीं उतरे थे। हां, अभी कुछ इन्हें लोभ लाल देकर नीचे उतारा था उनको, कोई काम करने वाला। पहली बार हुआ ऐसी उदा? ठीक है जी। जेड़ा है चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें असीं तुहानूं दिखा रहे हां, हरियाणा जिंद तों उहनां दे परिवारिक मैंबर पहुंच चुके ने। उत्थे दस्सदी कि उहनां दे परिवारिक मैंबर मौजूद सी, जिहनां दा नाम रविंदर सी, उह कह रहे ने कि उह मेरे मासड़ जी लगदे ने जो कि इस बोरवेल दे विच डिग चुके ने। 70 फुट डूंगा है बोरवेल है, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन दी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो काफी डूंगा बोर जिहड़ा है खोद दित्ता गया है, ते सुरेश नूं कढ़न दीआं तैयारियां जिहड़ियां ने कीतीआं जा रहीआं ने। दस्सी कि देर शाम है हादसा वापरिया है, ते काफी भयानक हादसा जिहड़ा है उहनां दे नाल वापर जांदा है। मिट्टी उन्होंने उपर डिग जाती है, तो मिट्टी कढ़न का काम चल रहा है ताकि उन्होंने जल्द तो जल्द बाहर कढ़िया जा सके। उत्थे दस्सी कि परिवारिक मैंबर भी जिहड़े ने पहुंचने शुरू हो चुके ने, ते उन्हां दी सुरक्षित होने की कामना करते हुए नजर आ रहे ने। दसी कि काफी घंटे अंदर समा बीत चुका है, देर शाम 7 बजे के करीब वो इस बोरवेल दे विच डिगे सी, किन्ने घंटे बीत चुके ने पर हाले तक उन्होंने बारे कुछ जानकारी नहीं है। परिवारिक मैंबर भी पहुंचे ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि प्रशासन के वालों इल्जाम जिहड़े ने उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के वालों कोई भी गलबात जिहड़ी उन्होंने नाल फिलहाल कोई नहीं की गई है। ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਟਨਾਲ, ਅੰਸ਼ ਛੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਟਿਨ ਚਲੋ।